हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है अभिषेक एजुकेशन फॉर एक्सलेंस में। कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग जबरदस्त होंगे और एकदम एग्जाम में फोड़ने की तैयारी कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर तक मैं 9 तक मैं करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 10 आज से मैं अभी से चालू करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 10 देखेंगे, 11 देखेंगे, 12 देखेंगे, क्वेश्चन 13 देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा 2 अंक का। तो क्वेश्चन 13 तक आज हम लोग देखने वाले हैं, मतलब कितना, 4 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। क्या 4 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं? 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे पिछले 5 साल का क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, सेट में आता है यार, वाला भी क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो, इसके लिए पहले सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, ध्यान से देखो कि टेन इनवर्स यहाँ पे देखना, इनवर्स लग रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, देखो प्लस है तो प्लस आया, ये देखो ये प्लस है ना, प्लस है तो प्लस आया, अपॉन 1, इस प्लस का अपोजिट कर दो, प्लस का माइनस, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये कब होगा? जब यहाँ पे लिख लो, जब एक्स इंटू वाई की वैल्यू एक से छोटी होगी, लेस देन 1। ये फॉर्मूला पहला हुआ। अब देखो दूसरा फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई प्लस जो यहाँ लिखा है वही, टेन इनवर्स, देखो प्लस है ना तो क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये कब होगा? जब एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 1 से। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई को गुणा करके देख लेंगे, एक से बड़ा आ रहा है तो बस पाई लग जाएगा, एक से छोटा आ रहा है ये एक्स इंटू वाई की वैल्यू, तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे पाई नहीं लगेगा। और तीसरा फॉर्मूला माइनस में, ये तीनों फार्मूला भी यूज करूंगा इस सीरीज में, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स, देखो यहाँ पे माइनस लगा है ना तो एक्स माइनस वाई, ऊपर माइनस लगा दिए ना, नीचे प्लस, 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये कब होता है जब एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन होता है माइनस 1 से। ये हो गया, ये पूरा। तो तीन फॉर्मूला आप लोग को याद करना है। समझ में आया क्या बात? तो ये तीन फॉर्मूला मैं लिखाया बोला, ये तीनों फॉर्मूला, और तीन फॉर्मूला इतना ज़्यादा उपयोगी है कि इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो ध्यान से देखते रहना, मैं कुछ ना कुछ कलाकारी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये वही वाला फॉर्मूला लग रहा है, सिद्ध करना है कि टेन इनवर्स एक बटा दो प्लस टेन इनवर्स एक बटा तीन बराबर पाई बाई फोर, ठीक है। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो क्या लिखा है पहले उसको लिख देंगे कि टेन इनवर्स एक बटा दो प्लस टेन इनवर्स एक बटा थ्री बराबर पाई बाई फोर। देखो कभी कभी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देता है तो हम लोग को पता कर रहे हैं भैया ये थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक बटा दो ये मेरा एक्स है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्म में है, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से मैं राइट हैंड साइड को प्रूफ करूंगा। तो हमेशा उसी को लेते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है, देखो यहाँ पे ज़्यादा दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट और राइट हैंड साइड में एक ही ठो दिया है, तो जहाँ पे ज़्यादा गिवन है ना उसको लेते हैं। तो ज़्यादा कहाँ पे गिवन है? लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिया और यहाँ पे है टेन इनवर्स एक बटा तीन। तो देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मेट में है, तो प्लस वाला है या तो ये फॉर्मूला लगेगा या तो दूसरा वाला लगेगा, तो देखते हैं कौन सा लग रहा है, ठीक। तो देखो ये x है और ये y है, तो एक बटा दो गुणा एक बटा छः कितना होगा, एक बटा दो गुणा एक बटा तीन कितना होगा, एक बटा छः आएगा, 0 point something आएगा, मतलब कि एक से छोटा है, मतलब ये हो गया x into y जो है वो एक से छोटा है, और एक से छोटा है तो ये पहला नंबर का फॉर्मूला लगेगा, तो लगाते हैं ना,
लगाते हैं तो टेन इनवर्स x प्लस वाई होता है, x की जगह 1/2 है, 1/2 प्लस y की जगह 1/3 है। टेन इनवर्स x प्लस वाई 1 - x (y) 1/2 × 1/3। ये क्लियर है क्या हो रहा है? तो देखो यहाँ पे देखो क्या आएगा, देखते हैं। तो ये हो गया टेन इनवर्स क्या आया, ध्यान से देखो। इसको लघुत्तम लूंगा तो 6 आएगा, लघुत्तम आया 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 6। लघुत्तम निकाला हूँ भाई, अब लघुत्तम कैसे निकालते ये मत पूछना। ये हो गया 1 - 1 - 1 × 1 = 1 और 2 × 3 = 6। ये आया भाई। अब देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, हो गया क्वेश्चन खत्म। टेन इनवर्स 3 × 2 = 5 होता है, 5/6। अब इसका लघुत्तम निकालूंगा तो 6 आएगा, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे आएगा 6 - 1। ध्यान से अगर आप लोग देख रहे होगे तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा सर, क्या बचा, तो ये बचा 5, ये 5 का 5 लिख दिया मैं, बटे ये 6 में से 1 गया, ये दे 6, ये दे 1 गया, तो कितना बचा, 5 बचा। और इतना भी नहीं आ रहा तो कैलकुलेटर निकालेंगे अपन, और 6 में 1 करेंगे तो 5 बचेगा, 5, तो 5 और 5 कट गया, तो क्या हुआ, tan inverse 1 बचा, tan inverse 1, और tan inverse 1 की वैल्यू क्या होती है, tan inverse 1 की वैल्यू होती है π/4, और देखो यही सिद्ध करना है, और जैसे आया तो हंसते मुस्कुराते लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया क्वेश्चन, हो गया ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, माइनस कर दिया और माइनस वाला एक ही फॉर्मूला लिखाया मैं, तो xy > -1 होना चाहिए, xy > -1, तो ठीक है इसमें देख लेते हैं। इसमें भी सिद्ध करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड लिया, सबसे पहले लिया मैं लेफ्ट हैंड साइड, टेन इनवर्स 4/7 - tan inverse 1/5। तो ये देखो 4/7, ये मेरा x है, x (y) क्या होना चाहिए, x (y) > -1 यही होना चाहिए। तो देखो क्या है, x की वैल्यू है 4/7 गुणा ये क्या है 1/5, तो कितना आएगा, ये 4 × 4 = 7, 5 = 35। तो देखो ये पॉजिटिव है तो ये 0 समथिंग कुछ आएगा यहाँ पे, जो कि -1 से बड़ा है, धनात्मक तो -1 से बड़ा है, तो वो फॉर्मूला लगेगा। क्लियर हो गया, चेक भी कर लिया हम लोग। तो देखो ये क्या फॉर्मूला होता है, tan inverse x - y, क्योंकि ये माइनस है, tan inverse x - y, तो 4/7 - 1/5, ऊपर माइनस लग गया तो नीचे प्लस लगेगा, 1 + 4/7 × 1/5। क्लियर है, अब देखो क्या होने वाला है, बस हो गया, आंसर आ गया मेरा तो, आ गया आप लोग का आया कि नहीं, क्या होने वाला है, अब लघुत्तम निकालूंगा, 7 और 5 = 35 आएगा, 35 आएगा, लघुत्तम 35 आएगा, ठीक है। तो 7 को मैं 35, ये 7 35 को भाग दूंगा 7 से, तो 7 × 5 = 35, कितना है 5, 5 × 4 करूंगा 20, ये लघुत्तम लिखा रहा हूँ, नॉर्मल 12वीं क्यों, इतना तो आना चाहिए। अब उस 35 को 5 से भाग दूंगा तो क्या आ गया, 5 × 7 = 35, कितना है 7, और 7 को 1 से गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ये बटे देखो, एक धन हाँ ठीक है, 1 × 4 = 1 = 4 और 7 × 5 = 35, कुछ नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूँ बस। अब ये क्या है, टेन इनवर्स 20 में 7 गया 13, और इसका लघुत्तम कितना आएगा, और ये 35 का 35 लिखो, ठीक, इसका लघुत्तम क्या आएगा, इसका लघुत्तम सर 35 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 + 4। ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये 35 से 35 खलास हो गया, तो कितना बचा बच्चों, 13/35 और 4, 35 और 4 = 39। देखो 13 × 13 = 39, 13 × 13 = 26, 13 × 3 = 39, देखो आ गया tan inverse 1/3 आ गया आंसर। ये तो आंसर आप लोग क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बस 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछेगा, अगर पेपर अच्छा या लेंदी तो ये क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज पहले वाला इससे पहले वीडियो में जो कराया हुआ आएगा। अब देखो यहाँ पे तो बेहतरीन चीज़ आ गया, सिद्ध कीजिए कि वाओ, तो हम लोग को तो tan inverse x + tan inverse y का फॉर्मूला मालूम है, अगर ये दोनों दिया रहता तो मैं कर लेता, या ये दोनों दिया रहता तो मेरा tan inverse x + tan inverse y होता रहता तो मैं कर लेता, अब कैसे करें, 3-3 दे दिया तो कोई बात नहीं, मैं किसी दो को ले लूँगा, तो किस दो को लेना है, तो मैं बोला जो ज़्यादा दिखता है ना उसको लेंगे, और उसको सॉल्व करते करते अगला वाला साइड हम लोग निकालेंगे, तो ज़्यादा किस में, लेफ्ट हैंड साइड में,
तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो ये हो गया टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री, टेन इनवर्स थ्री इज इक्वल टू, अच्छा वो पाई तो हम लोग को प्रूफ करना है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे तीन तीन तो टेन इनवर्स है। अब कई लोग देख के डर जाएंगे, कई लोग इन दोनों को लेंगे, कई लोग इन दोनों को लेंगे, मैं भी बोला कि इन दोनों को ले सकते हैं या इन दोनों को ले सकते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न का विषय है कि इन दोनों को ले, सर इन दोनों को ले ले टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, या इन दोनों को ले लें सर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, या सर इसको और इसको लें सर किसको लें। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे यहाँ पे ना 50 ठो दे दे टेन इनवर्स का, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे तो टेन इनवर्स दो की वैल्यू नहीं मालूम, टेन इनवर्स तीन की वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन टेन इनवर्स वन की वैल्यू तो मालूम है, टेन इनवर्स वन की वैल्यू मालूम है। तो टेन इनवर्स टेन की वैल्यू क्या होती है भाई, पाई बाई फोर होती है, पाई बाई फोर। और जो बचा उसको लिखो, ये टेन इनवर्स टू, टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री हो गया। आप कोई दिक्कत है, अब ये हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। एक्स और वाई क्या है, एक्स एक्स है टू इंटू वाई कितना है थ्री, तो एक्स इंटू वाई कितना आया छः। ये तो ग्रेटर देन है वन से, अगर वन से ग्रेटर देन होता है तो कौन सा फॉर्मूला आता है, पाई ऐड हो जाता है। तो ठीक है, ये पाई बाई फोर लिखा मैं, प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जहाँ पे एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन वन है उसका फॉर्मूला होता है पाई, पाई प्लस टेन इनवर्स ब्रैकेट में ए प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, वन माइनस एक्स वाई, ये होता है, यही होता है, हाँ ठीक। तो देखो क्या बचा, पाई बाई फोर प्लस पाई प्लस पाई प्लस टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ध्यान से देखो तीन और दो कितना होता है, तीन और दो सर पाँच होता है सर पाँच, माइनस वन माइनस दो तिया छः, वन माइनस सिक्स हो जाएगा, ये वन माइनस सिक्स, ध्यान से बस देखते रहना, आ गया आंसर आ गया, पाई बाई फोर प्लस पाई प्लस टेन इनवर्स ये हो गया फाइव, वन माइनस सिक्स माइनस फाइव होता है, वन माइनस सिक्स माइनस फाइव होता है, वन माइनस सिक्स माइनस फाइव होता है, ये हो गया पाई बाई फोर प्लस पाई प्लस पाँच एकम एक कट गया, तो माइनस वन बचा, वो देखो माइनस है तो माइनस वन बचेगा, टेन इनवर्स माइनस वन, टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, टेन इनवर्स माइनस थीटा, ये पाई बाई फोर प्लस पाई टेन इनवर्स माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू देखो वन है, टेन इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, माइनस टेन इनवर्स थीटा है ना, टेन इनवर्स थीटा। तो ध्यान से अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर प्लस पाई माइनस टेन इनवर्स वन की वैल्यू, अभी तो लिखा था टेन इनवर्स वन की वैल्यू पाई बाई फोर, ये पाई बाई फोर, देखो प्लस पाई बाई फोर और माइनस पाई बाई फोर कैंसल हो गया, तो मेरा आंसर आ गया पाई, और पाई ही तो मेरे को लाना था बच्चों। तो जैसे आ गया तो मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये लो। तो ऐसे देखो यार, यहाँ से चालू करो ना तो सीधा आंसर में रुको, मैं बोलता हूँ कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मत लिया करो। अब देखो इसमें क्या है, टेन इनवर्स एक बटा दो प्लस टेन इनवर्स एक बटा के बराबर पाई बाई फोर हो तो के का मान ज्ञात करो, ठीक है। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं बताना है, हम लोग को ये पूरा लेके चलना है और बताना है के का मान क्या होता है, के का मान क्या होता है, ठीक है ना, बता देंगे सर हम लोग बता देंगे। तो देखो बस ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है, ये टेन इनवर्स एक बटे दो ओके, टेन इनवर्स एक बटा के ओके बराबर पाई बाई फोर बराबर पाई बाई फोर। अभी इस पूरे को लेना है ना, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मत करना, के की वैल्यू बताना है, इसमें सिद्ध करो कि नहीं दिया तो पूरे को लेना है। अब ध्यान से देखो ये एक बटा दो है एक्स की वैल्यू, ध्यान से इधर देखना ना, कंसेप्ट वाली बात करूँ, एक बटा दो गुणा एक बटा के, एक बटा के तो ये क्या है, एक से बड़ा है कि छोटा है नहीं मालूम, ये डिपेंड करेगा, इसको गुणा करूँगा तो टू के आएगा, वन अपॉइंट टू के। अब के की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये एक से बड़ा है कि एक से छोटा है, दो फॉर्मूला होता है, एक्स इंटू वाई जब ग्रेटर देन वन हो और एक्स इंटू वाई जब लेस देन वन, दो फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएं, जब मैं इसकी बात करता हूं तो पाई ऐड हो जाता है, इसकी बात करता हूं तो नहीं होता, तो कौन सा लगाएं हमको नहीं मालूम, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इस फार्मूले से जाएंगे,
बाय डिफॉल्ट इस फॉर्मूले से जाएंगे, और इस फॉर्मूले से जा रहे हो बाय डिफॉल्ट, तो फिर बाद में देखेंगे यहाँ पे के की वैल्यू रख के, और हम लोग को फिर एक से छोटी मिलनी चाहिए एक्स इंटू वाई। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाय डिफॉल्ट दोनों में से कोई भी फॉर्मूला चूज कर सकता हूँ, बाय डिफॉल्ट इसको करेंगे लेस देन वाले को, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा एक्स प्लस ये हो जाएगा वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, तो ये हो जाएगा ये दोनों को मैं गुणा कर दिया बराबर क्या है पाई बाई फोर, पाई बाई फोर ध्यान से देखते रहो, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एलसीएम टू के आ जाएगा टू के, ये दो से दो कट गया तो के से के कट गया तो यहाँ पे आया टू, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा टू के आ जाएगा, इसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक टू के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू के माइनस वन, और इसको ऐसे लिखो पाई बाई फोर, ध्यान से देखो टू के से टू के कट गया, बस ध्यान से देखते रहना, आ गया आंसर आ गया, आ गया आंसर आ गया, तो टेन इनवर्स के प्लस टू, टेन इनवर्स के प्लस टू टू के माइनस वन बराबर पाई बाई फोर, ठीक है, दोनों पक्षों में अगर टेन का मैं दोनों पक्षों में अगर मैं टेन का मल्टीप्लाई कर दूं, या हम लोग बोलते हैं टेन इनवर्स एक्स उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा के प्लस टू टू के माइनस वन इज इक्वल टू टेन पाई बाई फोर, दोनों पक्षों में टेन का मल्टीप्लाई किया, दोनों पक्षों में टेन का मल्टीप्लाई किया तो टेन और ये टेन इनवर्स बाय डिफॉल्ट रफ लैंग्वेज में कट जाएंगे, और यहाँ पे ये टेन कर दिया, क्लियर है, टेन पाई बाई फोर कितना होता है यार, टेन पाई बाई फोर कितना होता है, टेन पाई बाई फोर बताओ कितना होता है, टेन पाई बाई फोर वन होता है, वन होता है, अब तिरिया गुणा कर रहा हूँ मैं, तिरिया गुणा कर रहा हूँ, ये हो गया के प्लस टू और टू के माइनस वन भाग में तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो एक गुणा टू के माइनस वन हो जाएगा टू के माइनस वन, किसकी वैल्यू निकालना है, के की वैल्यू, अब तो निकाल लेंगे के की वैल्यू, के की वैल्यू निकाल रहा हूँ, देखो के को उधर भेज रहा हूँ, इस के को इस तरफ भेज रहा हूँ और माइनस वन को इस तरफ ला रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये टू माइनस वन इधर आके हो जाएगा प्लस वन इज इक्वल टू ये टू के उधर जाके हो जाएगा माइनस के, तो यहाँ पे क्या हो गया दो और एक तीन इज इक्वल टू टू के माइनस वन के आ जाएगा, तो के की वैल्यू टू के माइनस के होगा ना, तो के की वैल्यू तीन आई, तो हम लोग लिखेंगे क्या पूछे के का मान ज्ञात कीजिए, अतः अतः के का मान तीन होगा, क्वेश्चन खत्म, तो ये जबरदस्त है यार, ये अभी जो मैं करवाया ना ये 13, इससे पहले 12, इससे पहले 11, इससे पहले 10, तो ये जो मैं करवाया और ये तीन फॉर्मूला लिखाया इसकी ना थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना, अगर मैं बोलूँ इससे पहले वाले 9 तक के क्वेश्चन, 1 से 9 तक के क्वेश्चन और 10 से 13 तक में किसको ज़्यादा फोकस करना, तो 10 से 13 तक को अच्छे से फोकस करना, ठीक है, और 1 से 9 को भी फोकस करना, ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ दो और इसी को ही फोकस करो, नहीं, 1 से लेकर जो मैं 13वां क्वेश्चन तक करवाया हूँ पूरा सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं पेपर बनाता तो इस टाइप के क्वेश्चन को देता, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चार नंबर के क्वेश्चन कराऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अगर आप लोग देख रहे होगे कि मैं पहला और दूसरा वीडियो लाया जिसमें बेसिक की बात किया, और तीसरा और चौथा वीडियो में दो नंबर के क्वेश्चन को डील किया, तो धीरे धीरे कठिनाइयों का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है ना, तो चार नंबर का जब क्वेश्चन डील करवाऊंगा तो भी कठिनाई का लेवल तो बढ़ेगा ना, तो अगर चार नंबर का क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना और पेपर में पूरा चार में से चार पाना है तो इस वीडियो को पहले देखिएगा सरकार, नहीं तो चार नंबर को छू नहीं पाओगे, ठीक है, फिर ऐसे लगेगा कि बाप रे कितना कठिन है, कोई कठिन वठिन नहीं है, मन के माने जीत, मन के हारे हार होता है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बोला मैं इसको पढ़ते रहिए, तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।